हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो नीचे रेड बटन है इसे प्रेस कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आर्डियोपैथिक डिजीज़, हर वो डिजीज़ जिसकी अभी काज हमें पता नहीं है। यानी हमने 100 पेशेंट में देखा तो हमें कोई 10-12 काज मिल गई, फिर और स्टडी होती चली गई, 1000 पेशेंट में गए तो कुछ 2-4 और काजेज मिल गई। यानी अभी अंडर प्रोग्रेस है, वो अंडर यानी कि उसका स्टडी चल रही है, अंडर स्टडी है। तो क्या होगा, ऐसी डिजीज़ को हम आर्डियोपैथिक डिजीज़ कहेंगे कि जिसके हमें काज नहीं पता। एग्जांपल देता हूँ, हाइपरटेंशन में, असेंशियल हाइपरटेंशन में क्या होता है, 90% हमें काज का पता ही नहीं होता, हम सिर्फ साइन और सिम्टम्स पे ही इतफा कर रहे होते हैं, उसी को रिड्यूस करने में लगे होते हैं कि हार्ट रेट को ज़रा नॉर्मल कर लो, कार्डियक आउटपुट को ज़रा नॉर्मल कर लो, लेकिन उसकी एक्चुअल जो काज है वो हमें नहीं पता होता। इसी तरह कैंसर की बहुत अभी ये टाइप जो है वो काफ़ी सारी ऐसी इकसाम है कैंसर की जिसकी हमें मुकम्मल काज का नहीं पता कि ये कैंसर तो हो गया, इसका ट्रीटमेंट हम इलाज भी कर रहे हैं जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन इसकी काज का अभी तक नहीं पता चला। तो ऐसी और भी बहुत सी डिजीज़ है, इन सब डिजीज़ को हम क्या एक कॉमन नेम देते हैं, आर्डियोपैथिक डिजीज़, के अभी इनकी और स्टडी होना ज़रूरी है, इनकी काज का पता होना ज़रूरी है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियो। ये नीचे जो लाल बटन नज़र आ रहा है आप इसको जल्दी से प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। गुड बाय, थैंक यू।